हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। शाम को डेली 7 बजे आईओसी सुपर 50 आपके यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मैं करवा रहा हूँ। 11th 12th का जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी और एससीईआरटी करना चाहते हैं वो शाम को एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो आपको चैप्टर वाइज करना है, एक एक चैप्टर वाइज, तो आप लोग शाम को 7 बजे यानी हर इवनिंग में जो है, इवनिंग में 7 to 8 आप डेली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं। डेली शाम को 7 से 8 आप लोग डेली जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के लिए। अभी जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन जो है आपका स्टैटिस्टिक करवाया जा रहा है, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो है आपका, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाया जा रहा है। ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का है, ठीक है ना, बेस सिलेबस एक एक चीज। तो आप लोग शाम को 7 बजे डेली जुड़े यूट्यूब चैनल पे और एनसीईआरटी एससीईआरटी क्वेश्चंस करें। ये एक तो उनके लिए है जो 11th क्लास में है, 11th में है, और जो 12th में है उनके लिए बेनिफिट है, और उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, बीपीएससी TRE 4 का जो देंगे, TRE 4.0 का जो देंगे बैच, बीपीएससी TRE 4 का जो 4.0 का बैच जो पेपर देंगे उनके लिए है, ठीक है। तो डेली शाम को 7 बजे आप लोग जुड़े। TRE 3 का पेपर हो गया, लोग कई अब मैसेज आते हैं कि सर कट ऑफ पे क्यों बातें नहीं की जा रही है। देखिए कट ऑफ पे अगर हम बात करें, अगर आपका पेपर मान लीजिए क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो आप लोगों को गुस्सा आएगा, ज्यादा आ रहे हो तो फिर आप तो ऐसा एक्चुअली यूट्यूब पे किसी टीचर ने जो है कट ऑफ बताया था, अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उनपे जो है कई भद्दे कमेंट किए गए जो कि गलत है, ठीक है। हम लोग टीचर हैं और आप लोग भी टीचर हैं, तो एक इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए था। इसलिए टीआर जो आपका कट ऑफ पे चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे और ना करना चाहेंगे। हाँ लेकिन एक ये बात है कि पिछली बार अगर TRE 2 में 72 गया है, गया था जनरल का, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कहीं आप सोच रहे हैं 85-90 जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी TRE 3 में बैठे हो, 2 में बैठे हो, वही TRE 3 में है। जो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए हैं आंसर देने में, जो गलत गलतियां आपने की है, वही लगभग सबने की है, ठीक है ना। तो इस पे ज्यादा ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाएगा, कट ऑफ वही रहेगा, जो लेवल ऑफ स्टूडेंट है वो लगभग सेम ही है। तो थोड़ा बस यही है कि किसने करेक्ट सही किया उस टाइम, किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया, तो उसने अच्छा पेपर किया, आपका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम काम नहीं किया, हो सकता है गलतियां हो गई होगी, लेकिन कट ऑफ बहुत नहीं जाएगा। अराउंड जो हम कह सकते हैं 78 के आसपास रहेगा, 78 प्लस माइनस 2 कर लीजिए बस। ये जनरल का कट ऑफ है, मैं इससे ज्यादा कट ऑफ पे चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है ना। कट ऑफ पे चर्चा करना भी अभी बेवकूफी है, तो आप सिर्फ इंतजार करें, OMRC 1-2 दिन में आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगा। 5 तारीख तक आई हो, 5 तारीख तक चीजें आ जाएंगी, 5-6 तारीख तक जो है आपका OMRC और आंसर की आ जाएगा, तो आप लोग मैच कर लेंगे। आंसर की आने के बाद कई लोगों का भी 2-4-5 नंबर किसी के बढ़ेंगे, किसी के कम होंगे, तो इसमें कट ऑफ पे चर्चा करना भी ठीक नहीं है। तो जनरल का जनरली मैं ये बोल रहा हूँ 78 प्लस माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये है, बाकी आप लोग शाम को डेली 7 बजे जुड़े, और जो भी TRE 4 में पेपर दे रहे हैं या 11th 12th के जो है स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा TRE 4 के लिए, ठीक है ना भाई। और 11th 12th में जो है उनके लिए तो पूरा साल चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो 11th 12th की सारी क्लासेस जो होगी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बाकी बीपीएससी की क्लासेस वगैरह स्टार्ट 5 तारीख से होंगी, 5 तारीख से होंगी, 5 अक्टूबर से, सॉरी 5 अगस्त से स्टार्ट होंगी, यानी परसों मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कोई यूट्यूब पे भी मैंने डेमो नहीं लाया है, तो डेमो का कोई मतलब नहीं है। आप क्लास में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लिस्ट बने हैं, वहां पे क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है प्लेलिस्ट में जाके, तो क्लासेज आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई जबरदस्ती आपसे कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जो है आपको फ्री में क्लासेज में दे ही रहा हूँ। आप लोग जो हमें पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहे, क्योंकि 11th 12th के जो NCERT मैं शाम को 7 बजे मैं डेली करवाऊंगा। बाकी बीपीएससी की क्लास लेनी है, उसमें मॉडल्स वगैरह होंगे, PDF वगैरह होगा, इस बार चैप्टर वाइज MCQ करा जाएगा, तो आपको 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, यानी 5 अगस्त से इसका बैच, प्रॉपर बैच क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, और बाकी देखते हैं कि 2-4 दिन में आपका OMR सीट और कट ऑफ आंसर की भी आ जाएगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा, उसके हिसाब से कट ऑफ
बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अब वेट कीजिए, क्योंकि सबने वही गलती किया जो आपने गलती किया है, सबने वही मिस्टेक किया है, कंफ्यूज हुए हैं जो आप लोगों ने जो गलतियां की, आप जो जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप वेट करें और आंसर की कट ऑफ ज्यादा देख के टेंशन ना लें कि इधर कोई 70 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है ना, 50 में हो जाएगा सबका, 70 में हो जाएगा, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, तो ये सब ऐसा नहीं है, ठीक है, जितना भी पहले था उसमें 2 4 5 नंबर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, तो शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं 11th 12th की क्लास के लिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी इकोनॉमिक्स की सारी एक एक टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, चलिए थैंक यू।